गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यास्मीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और आसान सी चिकन की रेसिपी। दावतों वालों चिकन की रेसिपी है, जिसे आप इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हो। इस तरीके से आप चिकन बनाओगे ना, चिकन का जो टेस्ट है बिल्कुल आपको अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले ली हूँ। इसमें मैंने एक बाउल भर के दही ऐड की हूँ। यह रेसिपी में दही ज़्यादा यूज़ होता है, ग्राम में अगर काउंट करोगे तो ये 200 ग्राम दही है। दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो। अब ये चिकन इसमें हम ऐड कर देंगे। ये चिकन को मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश कर ली हूँ। ये 1 kg चिकन है, 1 किलो चिकन है। उसके बाद इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच इसमें गर्म मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला भी ऐड करेंगे। हमें इस तरीके से रब करते हुए बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और टाइम के अकॉर्डिंग इसे आप मैरिनेट करने के लिए रख सकते हो। जितना ज़्यादा आप इसे रखोगे उतने अच्छा इसका टेस्ट आता है। भी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ। इसमें मैंने हल्का सा ऑयल ऐड की हूँ 1/2 छोटे चम्मच के बराबर और ये 4 मीडियम साइज की अनियन है। 1 किलो चिकन में हम 4 अनियन ऐड करेंगे, स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पे हमें इतना पकाना है कि जो हमारे अनियन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अनियन को जल्दी सॉफ्ट होने के लिए इसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद प्याज जो हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें मैंने 12 से 15 काजू ऐड की हूँ। काजू ऐड करके इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि काजू भी प्याज के साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमारे प्याज और काजू को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, ये नारियल का बुरादा है जो मैं ऐड कर रही हूँ। 3 बड़े चम्मच भर के मैंने नारियल का बुरादा ऐड की हूँ। नारियल का बुरादा ऐड करने से जो चिकन का टेस्ट है ना, बिल्कुल डिफरेंट और शाही आएगा एकदम। नारियल का बुरादा जो है आपको लास्ट में ऐड करना है क्योंकि ये जल जाता है। ऐड करके सिर्फ मिक्स करना, इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब वही कढ़ाई में मैंने जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था चिकन ऐड करती हूँ। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह हमें ऐड नहीं करना है। चिकन को एक बार सिर्फ अच्छे से मिक्स कर देंगे और करके लो फ्लेम पे पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। यहाँ मैंने प्याज को भी ग्राइंड कर ली हूँ, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। बीच बीच में चिकन को हम मिक्स हलाते रहेंगे। चिकन ने देखिए आप कितना पानी छोड़ा है, ये दही का और चिकन का पानी है। इसे इस तरीके से हमें हलाना है और वापस से कवर करके फिर पकने के लिए छोड़ देना है। इधर हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक टॉप ले ली हूँ। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड की हूँ और कुछ बादामें ली हूँ जिसे मैंने अच्छे से फ्राई करना है। बादामों को ऑयल में फ्राई करके बादाम निकाल के हम साइड में रख लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन आप ये करोगे ना तो इससे जो टेस्ट है सालन का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वही ऑयल में यहाँ मैंने 4 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ। 1 किलो चिकन है इसलिए हम 4 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे अच्छी खुशबू आने तक। उसके बाद जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम अभी हमारा लो ही फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। काजू का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से मिक्स करते हुए गैस का फ्लेम लो रखना, वरना जो काजू का पेस्ट है वो जल्दी से जल जाता है। इसी में अब हम कुछ मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के लाल मिर्ची का पाउडर ऐड की हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 से 2.5 चम्मच आप धनिया पाउडर ऐड कर सकते हो और लाल मिर्ची अगर आप तीखी खाते हो तो लाल मिर्ची आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, नमक थोड़ा सा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन में भी नमक है। मसालों को अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है, आपका मसाला जल जाएगा, तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हो। इधर हम चिकन को भी चेक करते रहेंगे। हमारे चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसका फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे जितना भी चिकन का पानी दिख रहा है हमें पूरा सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। इधर हम अपने मसालों को भी चेक कर लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें काफ़ी ऑयल भी रिलीज हो चुका है, मतलब ये मसाले बिल्कुल हमारे रेडी है। यहाँ पे आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हो, जो भी आपको लगता है कम ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हो। चिकन का पानी भी काफ़ी हद तक सूख चुका है। 1-2-3 मिनट से हम और पका लेंगे ताकि जो पानी है पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद जो चिकन है डायरेक्टली मसाले में ऐड कर देंगे। इस तरीके से जो हमने अलग से चिकन को भूना है ना दही में, उससे जो चिकन का फ्लेवर आएगा ना बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा आएगा। प्लस चिकन जो है ना आपका एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि जो चिकन है हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है।
क्योंकि हमारे चिकन को पकते हुए टोटल आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी हम इसे मसाले में ऐड करने के बाद फिर से भूनेंगे। चिकन में मसाले का फ्लेवर और मसाले में चिकन का फ्लेवर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई है, इसलिए कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है ताकि हमारा मसाला जो है नीचे ना लगे। इनको हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है ग्रेवी के लिए। मैंने इसमें पानी ऐड किया टोटल 1 गिलास। आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे आपको पतला नहीं रखना है क्योंकि ये जो सालन होता है ना थोड़ा सा थिक ही होता है। जो पानी हम ऐड करेंगे वो अच्छे से गर्म करके ही ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे इसे एक बॉईल आने तक अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे और ये चिकन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने एक बटर का क्यूब ऐड की हूँ, थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया ऐड की हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो ऑयल है अच्छे से रिलीज हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चिकन ने कितने अच्छी तरीके से ऑयल रिलीज किया है। इसमें हमने कोई भी कलर वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल बना है। इसे गर्मा गर्म आप पराठों के साथ या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। इस तरीके से सर्व करने के टाइम पे आप थोड़े से बॉइल्ड अंडे इसके ऊपर से रख दें, जिस शेप में आपको पसंद हो उस शेप में कट करके रख सकते हो। मुझे राउंड शेप ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने राउंड शेप में कट की हूँ। उसके बाद जो हमने बादाम फ्राई करके रखा था ना वो आप ज़रूर से ऐड करना, बादाम का जो टेस्ट है ना वो सालन के मज़े को और भी ज़्यादा दुगना कर देता है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये हमारा गर्मा गर्म टेस्टी दावतों वाला चिकन का सालन बनके बिल्कुल रेडी है, जिसे खा के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ इस रमज़ान में इफ्तार पार्टी में ये चिकन की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।